मुनव्वर फरूकी के साथ भाई बिग बॉस ने ही एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है, और इन शॉर्ट ये भी कहा जा सकता है कि भाई कोई ना कोई खेल हो गया है और मुनव्वर बॉस मीटर से आउट हो गए। आपको बता दें कि मुनव्वर का नाम इसमें ना आना, और मुनव्वर ही नहीं बल्कि मुनव्वर के साथ साथ जो पॉपुलर कंटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो अनुराग हो, अंकिता लोखंडे हो, इन सभी लोगों का नाम इस लिस्ट में ना आना दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं भले पॉपुलर है लेकिन इनका गेम इस समय उस लेवल पर नहीं चल रहा है जिस लेवल पर चाहिए था। लेकिन मुनव्वर कैसे आउट हुए और क्या वजह बताई जा रही है इन सभी चीज़ों के पीछे, इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि भाई मुनव्वर बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, लेकिन चाहे वो मनस्वी हो या बाहर से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुनव्वर जब रोते हैं तो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। लेकिन मैंने मेरे लाइफ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रखा था कि भाई वो रोते इसलिए वो फेक नहीं लगता, बिकॉज मुनव्वर जो है उनको वो चीज़ें इमोशनली कनेक्टेड है बहुत सारी चीज़ों से, उनको उस पर इंस्टेंट रोना आ जाता है। और हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वजह से तुरंत रोना शुरू कर सकता है, तो ये चीज़ मुनव्वर के साथ है। लेकिन आपको बता दें कि मुनव्वर को बॉस मीटर से जिस बंदे ने आउट किया है वो अभी मैं कहूँ आपको तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो खुद ऐसा वाइल्ड कार्ड आए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ समर जुरेल की। समर्थ ने बिग बॉस के घर में आते ही भाई उनके मतलब ये जो तू झूठी में मक्कार वाला पूरा सीक्वेंस हमको देखने को मिला, ये तीन लोगों का मतलब ट्रायो जो है फंस गए कि भाई मतलब ना यहाँ एक्सेप्टेंस हो रही है ना यहाँ एक्सेप्टेंस हो रही है, ना ये बंदा मानने को तैयार है ना ये बंदा मानने को तैयार है। तो ये जो हुआ उसके बाद बॉस मीटर में नाम जो है समर्थ का आया है और मुनव्वर पीछे हुए हैं। लेकिन जो पांच लोगों के नाम बॉस मीटर में अगर मैं वो आपको बताऊं तो सबसे पहला नाम ईशा मालविया का है, बट ऑब्वियस होना ही था, जो बवाल हुआ उसकी वजह से तो भाई होना ही था। उसके बाद है समर्थ जुरेल, उसके बाद है खानजादी ए के फरोजा खान, उसके बाद है ऐश्वर्या शर्मा, और इस लिस्ट में आते हैं विक्की जैन। फिलहाल भाई इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस हफ्ते का बॉस, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।